श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने करणपुर सीट पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बता दें कि 5 जनवरी को वोटिंग और 8 जनवरी को काउंटिंग होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 8 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर सकती है। अटकलें लगाई जा रही है कि युवरेंद्र सिंह यूरी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र और पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर का अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो बता दें कि श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर विगत दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हुआ था, जिसके चलते इस सीट पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया था और अब फिर से इस सीट पर चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है और 5 जनवरी को यहां पर काउंटिंग होगी। और श्रीनगर से संवाददाता मनजीत सिंह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनजीत, यहां पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी, 8 जनवरी को काउंटिंग होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे? क्या दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है? क्या कुछ है जानकारी बताइए। नहीं मनीष, ये है कि 15 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा श्री करणपुर विधानसभा का चुनाव जो है स्थगित किया गया था और अब चुनाव आयोग द्वारा इस सीट के लिए नई तिथि 5 जनवरी मतदान की घोषित की गई है और 8 जनवरी को जो है यहाँ काउंटिंग होगी। और रिटर्निंग अधिकारी ने बताया है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी का ही फॉर्म जो भरा जाएगा, बाकी जो बीजेपी के आम आदमी पार्टी या अन्य जो भी उम्मीदवार थे वो वैसे की वैसे रहेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही अपना प्रत्याशी घोषित करके उसी का ही फॉर्म भरा जाएगा। और कांग्रेस में इस समय पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र और पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर और श्री करणपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान एवं पीसीसी सदस्य युवरेंद्र सिंह यूरी जो है उनमें कांग्रेस में से उन दोनों में से एक में तय करनी है। इसमें जो पीसीसी सदस्य और पूर्व मंत्री के पुत्र रूबी कुन्नर है उनका फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं मिला कांग्रेस को और इस वजह से हो सकता है कि युवरेंद्र सिंह यूरी को कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी शुक्रवार 8 तारीख को जो है कांग्रेस श्री करणपुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी को लेकर के कोई ना कोई फैसला कर लेगी। बिल्कुल मनजीत, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मान लिया जाए कि युवरेंद्र सिंह यूरी ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी कौन होंगे? बीजेपी की तरफ से किसे उतारा जा सकता है? बीजेपी से ऑलरेडी पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह तो जो पूर्व मंत्री है वो प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो वही इनके प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनजीत। तो आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर अब फिर से चुनाव होंगे। 5 जनवरी को वोटिंग होगी, 8 जनवरी को यहां पर काउंटिंग होगी। बता दें कि श्रीगंगानगर विधान जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो जाने के बाद ये यहां पर चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा से यहां पर चुनाव होंगे।